दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बड़ी खबर में देखें नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में 6300 अमीन की नियुक्ति होगी, अन्य विभागों में भी बहाली जल्द। वही अगली बड़ी खबर में देखें बिहार में लाखों पदों पर बहाली होगी, नीतीश बोले हर कैबिनेट में भर्ती की मंजूरी, हर विभाग को नियुक्ति का निर्देश। वही अगली बड़ी खबर आपके लिए है, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो पहुंचे सरकारी अस्पताल, 5 लाख के मुफ्त इलाज का बनेगा हेल्थ कार्ड। बड़ी खबर में देखिए बिहार में पासपोर्ट बनाना हुआ आसान, पटना के साथ पूर्णिया और सुपौल में हुई शुरू नई व्यवस्था। बड़ी खबर में देखिए आरआरबी ग्रुप डी की 5वें चरण की परीक्षा अब 6 से 11 अक्टूबर तक होगी। तो आखिर क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखें नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में 6300 अमीन की नियुक्ति होगी, अन्य विभागों में भी बहाली जल्द। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। विभिन्न विभागों में 7823 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, इनमें से 7595 संविदा के पद है जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। वहीं 7595 में से 6300 पदों पर अमीन के पदों को भरा जाएगा। वही अगली बड़ी खबर में देखिए बिहार में लाखों पदों पर बहाली होगी, नीतीश बोले हर कैबिनेट में भर्ती की मंजूरी, हर विभाग को नियुक्ति का निर्देश। जी हां, बिहार में लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। मंगलवार को ज्ञान भवन में आयोजित नव नियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विभाग पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग में जिनकी बहाली हुई है उनको नियुक्ति पत्र मिला है, इनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है। पशुपालन विभाग में और बहाली होना बाकी है, न केवल पशुपालन विभाग बल्कि सरकार के अन्य विभागों में भी बहाली होगी, इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया है। राज्य में लाखों की संख्या में बहाली होगी, हर कैबिनेट में विभागों में बहाली की मंजूरी दी जा रही है, विभिन्न विभागों में नए नए पदों का सृजन किया जा रहा है, नियुक्ति होने में अब बहुत दिन नहीं लगेंगे, बाकी बहाली भी बहुत जल्द करना है। बड़ी खबर में देखिए नीतीश के 2 कैबिनेट मीटिंग में 16000 वैकेंसी की मंजूरी, बंदोबस्त को सही करने के लिए 7595 की होगी भर्ती। जी नीतीश सरकार इन दिनों रोजगार देने पर फोकस कर रही है। नीतीश सरकार धीरे धीरे अपने 20 लाख रोजगार देने के वादे को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में 7595 पदों की मंजूरी दी है। अब तक 2 कैबिनेट मीटिंग में 16000 पदों की मंजूरी दी गई है। वहीं नर्सिंग छात्रों को 1500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं नीतीश कैबिनेट ने एमएलए एमएलसी के लिए फ्री बिजली यूनिट का दायरा बढ़ा दिया है। नीतीश कैबिनेट की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की गई, इसमें 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। वहीं पालीगंज आरा के लिए 200 पद पर भर्ती होगी, कला संस्कृति विभाग में भी 27 पदों पर भर्ती की जाएगी। बंदोबस्ती कार्यक्रम से जुड़े इन पदों को लेकर होने वाले खर्च को लेकर भी सरकार ने राशि मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आपके लिए है, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो पहुंचे सरकारी अस्पताल, 5 लाख के मुफ्त इलाज का बनेगा हेल्थ कार्ड। जी बिहार के सरकारी अस्पतालों में शिविर लगाकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड के अभाव और योजना की जानकारी नहीं होने से लाभुक 1 साल में 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा हासिल करने से वंचित हो जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1,08,95,000 परिवार शामिल है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 1,29,655 परिवार और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले 8,65,521 परिवार शामिल है। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल लक्षित परिवारों की कुल संख्या 5,55,00,000 व्यक्ति लाभुक है। वहीं आयुष्मान कार्ड बनाने की गति को तेज करने के लिए एजेंसियों की संख्या बढ़ाकर 4 की जाएगी। राज्य में वर्तमान में 2 एजेंसी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, इनमें वसुधा केंद्र और UTI IT शामिल है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में पासपोर्ट बनाना हुआ आसान, पटना के साथ पूर्णिया और सुपौल में शुरू हुई नई व्यवस्था। जी हां, पासपोर्ट बनाने को लेकर अक्सर लोगों को समस्या होती है, लेकिन अब बिहार में पासपोर्ट बनवाना आसान होगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से नई पहल शुरू की गई है। पटना स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र के अलावा अब पूर्णिया और सुपौल के डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि PCC की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, PCC के लिए अब लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए अपॉइंटमेंट की संख्या भी करीब 4 गुना वृद्धि की गई है। विदेश मंत्रालय की पहल पर 28 सितंबर से इन तीनों केंद्रों पर PCC के लिए अब 850 आवेदन लिए जा सकेंगे। नई व्यवस्था में कम समय में PCC मिलने के कारण पासपोर्ट बनाना सहज होगा।
बड़ी खबर में देखिए, आरआरबी ग्रुप डी की पांचवी चरण की परीक्षा अब 6 से 11 अक्टूबर तक होगी। जी हां, रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के पांचवें चरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना में पांचवें चरण की परीक्षा की तिथियों के अलावा उस चरण के परीक्षा शहर व एडमिट कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई है। ग्रुप डी परीक्षा के पांचवें चरण की परीक्षा 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगी। परीक्षा के शहर केंद्र की जानकारी 27 सितंबर को जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का चौथा चरण 19 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, अब दुर्गा पूजा से छठ पर्व तक मिलेगी निर्बाध बिजली। जी हां, बिजली कंपनी ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व में निर्बाध बिजली देने की तैयारी की है। पूजा के दौरान आम लोगों को बिजली को लेकर किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भरपूर बिजली खरीदने की योजना बनी है। लोगों को दी जाने वाली बिजली व्यवस्था में कोई खराबी होने पर उसे अविलंब दूर किया जा सकेगा। इसके लिए प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी आदमी हर रोज 6000 से 6200 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जाती है। अधिक गर्मी हो तो 6400 से 6500 मेगावाट तक की बिजली आपूर्ति की जाती है, लेकिन पूजा के दौरान कम से कम 500 मेगावाट बिजली की खपत और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी तक अधिकतम 6727 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की है। ऐसे में इससे भी अधिक बिजली आपूर्ति की योजना पर कंपनी ने काम किया है। एनटीपीसी से मिलने वाले केंद्रीय सेक्टर की बिजली के अलावा कंपनी ने खुले बाजार से भी बिजली लेने की योजना बनाई है। बड़ी खबर में देखिए, चौटाला की रैली से लौटे तेजस्वी यादव बोले, बिहार से बीजेपी को एक भी सीट मिल जाए तो बहुत है। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटकर पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्हीं आरोपों के मद्देनजर उन्होंने किया है कि 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को 2024 में एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई जैसे सवालों पर इन लोगों ने जनता को धोखा दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी दलों की मजबूत एकता का भी दावा किया है। बड़ी खबर में देखिए, 3000 किलोमीटर पैदल चलेंगे पीके, गांधी की धरती से 2 अक्टूबर को शुरू होगी पद यात्रा। जी हां, कवि नीतीश कुमार के जीत का तैयारी करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब बिहार में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। पीके की 3000 किलोमीटर की पद यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी। गांधी जयंती के दिन पश्चिमी चंपारण के बितहरवा गांधी आश्रम से यह यात्रा शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि आने वाले 10 सालों में बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने के संकल्प के साथ ही जन स्वराज अभियान के तहत इस पद यात्रा से जुड़े। पीके इस अभियान के माध्यम से बिहार में अब अपने लिए संभावनाओं की तलाश रहे हैं। वे बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका में आने की तैयारी कर रहे हैं। जन स्वराज इसी का एक हिस्सा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस पद यात्रा के 3 मूल उद्देश्य है। पहला है समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना और उनको लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास। दूसरा, स्थानीय समस्याओं को, समानों को बेहतर तरीके से समझना और उनके आधार पर नगरों एवं पंचायतों की प्राथमिकताओं की सूची बनाना और उनके विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करना। तीसरा यह कि बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझावों के आधार पर अगले 15 साल का एक विजन तैयार करना। वहीं देखिए, जेडीयू पर बीजेपी का बड़ा हमला, बोले विजय सिन्हा, 2024 में जेडीयू का होगा सफाया, आज से उल्टी गिनती शुरू। जी हां, बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने एक बार फिर से जेडीयू पर हमला बोला है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2024 में जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस पार्टी का बिहार से सफाया हो जाएगा, आज से ही इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जेडीयू नाम की पार्टी बिहार में अब नहीं रहेगी। साथ ही बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने लालू नीतीश पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात की चर्चा करते उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई इस मुलाकात का एक फोटो तक जारी नहीं किया गया। दोनों नेता सोनिया गांधी से मिलकर निकले तो उनके चेहरे से खुशी गायब थी। लालू नीतीश याचक बनकर दिल्ली जा रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, नवरात्र के दौरान ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा बिना लहसुन प्याज का भोजन, ऐसे करें ऑर्डर। जी हां, नवरात्रि के दौरान ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल IRCTC ने यात्रा के दौरान लोगों को नवरात्रि स्पेशल खाना देने का फैसला किया है। रेल में यात्रा के दौरान अब यात्री अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सीट पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मंगवा सकेंगे।
इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन की इस घोषणा के बाद रेल यात्रियों के बीच खुशी की लहर है। IRCTC के मुताबिक नवरात्रा स्पेशल थाली के लिए रेल यात्रियों को 1323 पर कॉल कर ऑर्डर देना होगा। इसके बाद यात्रियों की सीट तक रेल कर्मी साफ सुथरे थाली लेकर पहुंच जाएंगे। खास बात यह है कि भोजन में सामान्य नमक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। भोजन पकाने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग लिया जाएगा। बड़ी खबर देखिए पटना वासियों के लिए है। अगर आप पटना में रहते हो तो डेंगू से बच के रहिए, क्योंकि पटना में 3 अस्पतालों में 84 मरीज मिले हैं। अब तक इसके चपेट में 644 लोग आ चुके हैं। जी हां, बीते 24 घंटे के भीतर पटना के 3 अस्पतालों में हुई जांच में 84 नए मरीज मिले हैं। IGIMS में 23, PMCH में 24 और NMCH में 28 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 644 हो गई है। जिन इलाकों में जल जमाव है वहां डेंगू का प्रकोप अधिक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी राजीव नगर, कंकड़बाग, संदलपुर, अमीदाबाद, बिस्कोमान कॉलोनी, महेंद्रो, बाकीपुर, पटना सिटी, बिकना पहाड़ी, मंदिरी, पोस्टल पार्क, लोधीपुर, मीठापुर आदि इलाके हॉटस्पॉट बना हुआ है। बड़ी खबर में देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल विवाह को अमान्य घोषित करने वाले हरियाणा के कानून को दी मंजूरी। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल विवाह को पूरी तरह से निषेध करने वाले हरियाणा के कानून को अपनी मंजूरी दे दी है और इस तरह से 15 से 18 वर्ष की आयु के लड़के तथा लड़की के बीच वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बाल विवाह प्रतिबंध विधेयक 2020 लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट 2012 एक विशेष कानून होने के नाते भारतीय दंड संहिता 1860 और 15 से 18 वर्ष के आयु की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा था कि IPC की धारा 375 की प्रचलित अपवाद दो मनमाना और संविधान का उल्लंघन है। बड़ी खबर में देखिए पटना में इस बार दुर्गा पूजा पर नजर आएंगे भव्य पंडाल, जोरों पर तैयारियां। जी हां, देश भर में दुर्गा पूजा की तैयारी काफी उत्साह के साथ की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही है। इस साल पटना में दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। इसके लिए पटना शहर में जगह जगह भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। पटना के बोरिंग रोड चौराहा पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के तर्ज पर भव्य दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है। इस पंडाल की ऊंचाई 60 फीट और चौड़ाई 50 फीट रखी गई है। 12 फीट की माँ दुर्गा की मूर्ति को एक ही फ्रेम में बनाया जाएगा। बता दें कि पंडाल को बनाने में 5 लाख की लागत आएगी, जबकि मूर्ति पर 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे। इसी तरह पटना के डाक बंगला चौराहे पर इंडोनेशिया मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। वहीं पटना के सिपारा स्थित इतवार पूर्व पूजा पंडाल को भी काफी भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। यहां दुर्गा पूजा पंडाल को तमिलनाडु के मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। वहीं खाजपुर अस्सी मंदिर दुर्गा पूजा समिति इस बार फिल्म बाहुबली के महिष्मति महल की तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण करा रही है। पंडाल में दुर्गा माँ की 14 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी और यह लाइटिंग भी काफी आकर्षक। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।